वो मेरे ख्याल से उस साइड से इंडियंस आए हुए हैं, आपको कैमरे में शायद नजर नहीं आ रहा, वो इंडियंस खड़े हैं, वो सारे इंडियंस ही हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? ये था थोड़ा डकी बाई स्टाइल। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि ये स्टाइल ठीक है या जो हम करते हैं। जी दोस्तों, हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ये ठीक है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को करते हैं शुरू इस तरह कि अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी हम उठ चुके हैं और थोड़ी सी हालत थोड़ी सी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो अभी देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। मौसम तो बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो बाहर जाके कंप्लीट देखते हैं कि बाहर कैसा मौसम है, फिर आके तैयार होते हैं क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हसीन व्यू है, ये व्यू चेक करें आप बस। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना का हसीन व्यू है दोस्तों। तेरे शहर का क्या है नाम? जन्नत है। वो जो आपको कैंपिंग नज़र आ रही है दोस्तों, मैं आपको क्लियर आउट कर दूं, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था ये इंडियन है, मतलब कि यहाँ से ये इंडिया है, इंडिया बॉर्डर शुरू हो जाता है, वहाँ से ही जो है ये कैंपिंग जिन्होंने की हुई है वो इंडियंस हैं। तो यहाँ हम इस तरफ पाकिस्तानी हैं सारे और वो हमारे सामने इंडियंस हैं, तो बड़ा ही अच्छा और ख़ूबसूरत माहौल है वहाँ पर। वो बंदा जो है वो देखें नहाने आया या पता नहीं क्या करने आए, इंजॉय करने आए, तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू हुआ हुआ है इस टाइम माशाल्लाह। ऊपर घर देखें वो माशाल्लाह से, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत व्यू हुआ हुआ है इस टाइम। तो हम जो है ना दोस्तों, ज़रा रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं, अगर पानी ठंडा है ये गर्म है तो नहा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ा शौक है पानी से, ठंडे पानी से नहाने का। जी तो दोस्तों, अभी हम नहाए हैं और तैयार श्यार भी हो गए हैं, हमने यार पहने हैं वाइट शूज जो कि पड़े हुए थे, तो मैंने कहा सोचा पहन लेते हैं, तो बालों के रजिया है कि अभी गीले हैं, इसकी गीला मैं क्या ज़रा हल्का सा ज़रा आपके भाई ने फिर ब्लो ड्रायर किए हैं, बाल कमाल लग रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया काम। बस अभी दोस्तों दुरानी वगैरह तैयार होकर बाहर आते हैं तो फिर हम चलते हैं, कोच वगैरह आ गई हुई हैं, तैयारी कर रही हैं, बस उधर इंडियंस इंजॉय कर रहे हैं, इधर हम इंजॉय कर रहे हैं। तो जो इंडिया से मुझे लोग देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें, बताएँ अपने फीलिंग्स का इजहार करें। तो आप बताएं कि आपका भाई लग कैसा रहा है, आपने ये बताना है, ठीक है? आपका भाई तैयार शायद हो गया है, मुझे लगता है आपका भाई जो है ना उल्टी शर्ट पहना है गाने जा रहा। ओह माय गॉड, वाकई उल्टी है। अब जो है ना शर्ट सीधी पहनी है, साफ लगाए, मुझे किसी ने बताया तक नहीं है कि मैंने शर्ट जो है ना, मैंने तो इधर शीशे में देखा तो मैंने कहा यार इधर लिखा हुआ था कुछ, तो वो नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यार चलो भाई का यार है, चलो खैर है यार। तो आप जो है वो अंश वगैरह तैयार होके आते हैं तो फिर निकलते हैं, आप बताएं तब तक भाई कैसा लग रहा है। डकी भाई, डकी भाई नहीं, मीर व्लॉग को ज्वाइन करें, मैं डकी भाई का व्लॉग देख रहा था तो मेरे जबान में डकी भाई आ गया हुआ है। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि जो है वो नीचे जाके ज़रा पानी का भी व्यू चेक करने जाके, कैसा व्यू आ रहा है पानी के पास, तो जो है ना ताकि पानी को भी फुल इंजॉय किया जाए। वो पत्थर नज़र आ रहे हैं, वो पत्थर हम सोच रहे हैं वहाँ पे जाके जो है ना वीडियो शीडियो पानी को साथ एंजॉय किया जाए, वो लोग गए हुए हैं तो वहाँ चलते हैं। ओ वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया, लोगों का काम है ये गंद वगैरह फैलाना है, हर जगह जहाँ मर्जी चले जाओ लोगों ने गंद फैलाना ही होता है। चलो खैर, अल्लाह सबको हिदायत दे, बाहर इतनी खूबसूरत जगह पर गंद फैलाने बनता नहीं है। ये जो रास्ता है दोस्तों ये जा रहा है वो सामने झील पर, थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है लेकिन जो है ना रास्ता है कि जाने का लिए है, तो हम थोड़ा इन्जॉयमेंट वगैरह कर लें। लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पहले भी कपल्स वगैरह आए हैं, लड़के वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे। वाह जी वाह, शूट वगैरह हो रहा है इधर माशाल्लाह। सब लोगों का यहाँ क्या है काम? मोहब्बत है। दोस्तों वहाँ पे जो है ना वो पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, पानी काफ़ी तेज़ बहाव में है, यहाँ पे चूँकि हल्का बहाव है वहाँ पे पानी में भी खड़े हुए हैं लोग, लड़के लड़कियाँ खड़े हैं, तो हम भी ट्राई करते हैं कहीं से जाने की, जाके पानी में खड़ा हो जाता तो किसी को कह देते हैं यार को वीडियो शीडियो बना दे हैं,
ये जरा देखते हैं वो कपल, देखें कहाँ जाके खड़ा हुआ है। इतना ही खूबसूरत मंजर है। बस ये गंद देख लें आप लोग जो डाल के चले गए हुए हैं, इंतहाई जो है ना, अब क्या कहा जाए इनको। बहरहाल आगे ट्राई करते हैं जाने की, चेक करते हैं जाके अगर माइली को रास्ता है। जब वो पहुंच गए हैं तो हम भी पहुंच जाएंगे यार, टेंशन कोई नहीं है। हाँ पानी का भाव चेक कर रहे हैं आप, और ये साथ गंद भी चेक करें ज़रा, ये हमारा हाल है। इतनी खूबसूरत जगह पे गंद डालने का दिल कैसे करता लोगों का, वो समझ से बाहर बात है। वो मेरे ख्याल से उस साइड से इंडियंस आए हुए हैं, आपको कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा, वो इंडियंस खड़े हैं, वो सारे इंडियंस ही हैं। फिर जैसे हम पाकिस्तानी बात हैं, ये देखिए फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा है, भाई सारे फ़ोटो शूट करने लगे हुए हैं। तो आपने बस जो है ना व्यू एंजॉय करना, मैं आपको व्यू दिखाने लगा हूँ। इतना सुकून है, इतनी खामोशी है कि बंदा आके सारे गम भूल जाता है यहाँ पे। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, इसको फील करें बस। तो दोस्तों अभी हम जो है वो आगे शारदा के लिए निकलने लगे हैं, तो बस ये आखिरी व्यू आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद बस में शायद नहीं होगी मुलाकात, क्योंकि वो रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस अभी हम डायरेक्ट जाके शारदा आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों अभी हम शारदा पहुँच चुके हैं, और ये आप ये होटल हमारा है जहाँ पर हमने स्टे किया है। और ये पहाड़ देखें, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह खूबसूरत पहाड़ हैं। और ये व्यू देखें बिल्कुल जो है ना, दरिया नीलम के सामने हमें होटल मिला था। और ये पुल है, ये उस तरफ जाएं तो शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ जाया जाता है। और ये इंतहाई खूबसूरत व्यू है। दोपहर के आलमोस्ट मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे हैं, तो अभी हम आगे प्लान बना रहे हैं नहाने जाने का, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हमें एक पॉइंट नज़र आया है नहाने वाला, तो अभी हम यहाँ पर नहाने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। आगे ना जाइ, इधर ही रह, इस साइड पे रह, इधर राइट साइड पे आ, वो आगे ना जा, लेट जा, लेट जा। बेटे बेटे माज कर दे, दोस्तों अभी हम जो है वो नहा के धूप में आगे खड़े हुए हैं, क्योंकि पानी चूँकि बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो हमें एक तरह की कपकपी भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम आके अब सोचें कि हम जून जुलाई अगस्त के महीने, यानी अगस्त के महीने में हम गए हुए हैं, और इतना ठंडा पानी था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम आके थोड़ा सा धूप भी सेक रहे हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स हों। और जो है ये व्यू इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। ये जो पुल है आपके सामने, ये शारदा यूनिवर्सिटी को जाता है, वहाँ भी हम गए थे। ये देखिए कितना प्यारा, इतना हसीन व्यू है। आपका भाई आपको प्यारे प्यारे मनाजर दिखा रहा है कश्मीर के। जो लोग कश्मीर नहीं गए वो इन जगहों पे लाजमी जाएं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, यहाँ पर पत्थरों पर जो है ना लोग बैठ के तो जो है ना इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों यारों के साथ। बड़ा ही ठंडा पानी था, हम जो है ना हालांकि पीछे से आए थे ना आगे, लेकिन फिर दिल किया तो हम फिर पानी में जाके बैठ गए। मैं चाह रहा था यार लाहौर की गर्मी जो बर्दाश्त करनी है तो जाके, तो अभी जितना हम अच्छा फील कर सकते हैं तो उतना जो है हम पानी का लुत्फ़ उठा लें। तो फिलहाल यहाँ पे आके दोबारा बैठे हैं। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत व्यू है, ये जो आप एक आबशार सी बनी हुई है और पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मैं जा नहीं था सकता, मैंने यहाँ पर भी चले जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा लग रहा था। तो कितना हसीन व्यू है, बस आप जो है ना व्यू को इन्जॉय करें यहाँ पर। दो
दूरी सही जाए ना, इतने दूर बैठे हैं ये यहाँ से। ओए हो, बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा है। तो दोस्तों अभी हम लास्ट पॉइंट पे एंजॉय करने के बाद वापसी की तरफ निकल चुके हैं, तो अभी रास्ते में है बस, तो हो सकता है, पॉसिबल है कि हम किरण में भी दोबारा स्टे करें, अगर नहीं तो वहाँ से सीधा आगे जाएंगे मरी की तरफ, क्योंकि सुना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, ठंडा मौसम हुआ हुआ है, तो हो सकता है हम वहाँ पर जाके स्टे करें। लेट्स सी वहाँ पर होटल मिलते कि नहीं मिलते। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, आप हमारे साथ रहिएगा।